नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आज जीत की गारंटी का पर्यायवाची सिर्फ एक चेहरा और एक ही शख्स है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बात हम कर रहे हैं द मोदी मैजिक, जो आज हैट्रिक के साथ देश भर ने एक ट्रेलर कहीं ना कहीं 2024 का देख लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत की गारंटी तय कर दी है। बीजेपी की प्रचंड जीत ने देश के पॉलिटिकल पंडितों को एक नया मुहावरा दे दिया है, मोदी की गारंटी। पूरे देश में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर सत्ता के गलियारों तक यही शब्द गूंज रहे हैं, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। देश में जीत की गारंटी मोदी है। सारे कयासों को खत्म कर बाजी पलट देने की गारंटी मोदी। कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो, बड़ी से बड़ी चुनौती पर भारी पड़ने की गारंटी मोदी। विपक्ष के हर वार पर अचूक प्रहार करने की गारंटी मोदी। हर बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा, अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विधानसभा के सेमीफाइनल में बीजेपी ने तीन राज्यों में एक साथ चुनाव जीत कर बाजी मार ली है और विपक्ष को धराशायी कर दिया है। मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की टैगलाइन थी एमपी के मन में मोदी हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो ये साफ हो गया कि पूरे देश के मन में मोदी हैं। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। मोदी का दिया गया एक नारा, मोदी की एक अपील और मोदी की एक रैली भी विपक्ष की जमी जमाई राजनीति को हिला देने के लिए काफी होती है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, हर देशवासी को कहना चाहता हूं और मैं मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपके सपने मेरे देशवासियों, आपके सपने वो मेरा संकल्प है।
मोदी के विजयी भाषण का हर महत्वपूर्ण अंश हम आपको दिखाने वाले हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत और मोदी की गारंटी वाले जादू की पूरी तस्वीर आपको समझाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए कि किस तरह से सियासत के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक मोदी की गारंटी शब्द ट्रेंड करता रहा। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों की जुबान पर आज एक ही शब्द था, मोदी की गारंटी। ये मोदी जी का जादू है, मोदी जी का चमत्कार है, 9.5 साल की मोदी जी के काम है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति पर बहुत भारी पड़ी। सिर्फ 5 रैलियां करके मोदी ने छत्तीसगढ़ का किला कांग्रेस से छीन लिया। जब तक प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के मैदान में नहीं उतरे थे, तब तक कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे थे कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के लिए लोहे का किला बना दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ 5 रैलियों ने कांग्रेस का ये लोहे का किला ध्वस्त कर दिया। मोदी की रैलियां शुरू होते ही मोदी की गारंटी का असर देखने लगा। कई एग्जिट पोल ने यह जरूर दिखाया था कि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, लेकिन नतीजे आए तो पता चला टक्कर नहीं, बीजेपी का क्लीन स्वीप था। प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक और उनकी गारंटी तो पूरे छत्तीसगढ़ का सियासी खेल बदल देगी, यह किसी को अनुमान नहीं था। छत्तीसगढ़ के परिवारजनों को तो जब मैं वहां चुनाव सभाओं में गया तो मैं खुद ही पहली सभा में, छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको 3 दिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। मोदी की लीडरशिप में अब मध्य प्रदेश गुजरात के बाद बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा किला बन चुका है। मोदी की ताकत ने गुजरात में 2022 का चुनाव जीतने के बाद 2027 तक बीजेपी राज की गारंटी फिक्स कर दी है, यानी 1995 से 2027 तक गुजरात में 32 साल तक बीजेपी का अखंड राज्य है। और मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव जीतने के बाद अब 2028 तक मध्य प्रदेश में बीजेपी राज की गारंटी फिक्स हो गई है, यानी 2003 से 2028 तक अगर कमलनाथ की सरकार के 15 महीने निकाल दिए जाएं तो 24 साल तक मध्य प्रदेश में बीजेपी का अखंड राज्य है। मोदी की हैट्रिक की गारंटी देकर 2029 तक केंद्र में बीजेपी के राज की गारंटी भी फिक्स कर दी है, यानी एक अकेला मोदी सब पर भारी है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जब दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर से पूरे देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश में भारत की भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का विशेष जिक्र किया। मध्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। 2 दशक से वहां भाजपा की सरकार है और इतने वर्षों के बाद भी भाजपा पर भरोसा लगातार मजबूती हो रहा है। राहुल की बाजीगिरी और अशोक गहलोत की जादूगरी मोदी की गारंटी के सामने ध्वस्त हो गए। जब तक मोदी राजस्थान के चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे, तब तक पूरे 5 साल तक पूरे देश में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की ही चर्चा होती रही। लेकिन जैसे ही मोदी ने राजस्थान में चुनाव अभियान शुरू किया, राजस्थान में बीजेपी की जीत की गारंटी पर मोदी की मुहर लग गई। साथियों, राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं, इतने साल हो गए कभी नहीं करता हूं। लेकिन इस बार
चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ही राज्यों में किसी को भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया गया था। हर जगह मोदी ही चेहरा थे। पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडीय गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडीय गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता। राजनीति के मैदान में मोदी ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन की राजनीतिक पार्टियां 6 दिसंबर को एक बड़ी बैठक करने जा रही हैं। मोदी के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़े करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन मोदी की गारंटी के सामने आज विरोधी बौने साबित हो गए। बीजेपी की बहुत बड़ी जीत कहा जा रहा था, उसके पीछे वो मुद्दा भी है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं बल्कि 3 राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरह से घेर लिया। कांग्रेस समझ ही नहीं पाई कि कब उसका खेल खत्म हो गया। ये मुद्दा था सनातन का और इसे लेकर बीजेपी ऐसी हमलावर हुई कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। सनातन यानी शाश्वत, प्राचीन, स्थिर, अटल, अनंत, अनश्वर, चिरंतन, निरंतर, निश्चय, जिसका अस्तित्व सदा सर्वदा विद्यमान रहे, जिसका कभी अभाव ना हो, यही है सनातन। ২০২৩ के विधानसभा चुनाव में सनातन मुद्दा बन गया। नरेंद्र मोदी ने सनातन पर कांग्रेस को ऐसा घेरा कि 3 राज्यों में कांग्रेस के हर मुद्दे की हवा निकल गई। देखते ही देखते सनातन के मुद्दे ने कांग्रेस का वो हश्र कर दिया जिसका अंदाजा शायद खुद बीजेपी को भी नहीं था कि उसकी जीत इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। एक सितंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर ऐसी बात कह दी कि इस विवाद की आंच उत्तर भारत तक पहुंच गई और देखते ही देखते 3 महीने के अंदर ऐसा बवंडर चला कि 3 राज्यों में कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मुझे लगता है कि भारत की जनता ने जातिवाद की राजनीति और सनातन के विरोध को स्वीकार नहीं किया है। सनातन के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत की आत्मा है सनातन,
और सनातन को गाली देने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है, ये भारत की जनता को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस सनातन के चक्रव्यूह में फंस गई, कांग्रेस सनातन के अपमान में फंस गई, कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के बड़बोलेपन में फंस गई, और देखते ही देखते सनातन पर चोट की कोशिश बीजेपी के लिए वोट में तब्दील हो गई। कांग्रेस सिर्फ चुनाव नहीं हारी, कांग्रेस सिर्फ राज्यों में नहीं हारी, कांग्रेस अपने साथियों के जाल में फंसकर यही समझती रही कि उसने बीजेपी को बुनियादी चुनावी मुद्दों में फंसा कर रख दिया है। लेकिन सनातन पर बीजेपी का प्रचार बहुत कटीले तारों की तरह कांग्रेस को चारों तरफ से जकड़ता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक पब्लिक को समझा दिया कि सनातन इस तरह बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं, और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? ये गमंडिया गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, उसके सामने सनातन के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन का बयान नफरत का बाजार खड़े करना जैसा रहा। पब्लिक सब देखती रही, और फिर अचानक राहुल गांधी की वो महीनों तक चली मेहनत जैसे बिना किसी शोर शराबे के डूब गई। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए, और गमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी, ये गमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है, लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सनातन धर्म के खिलाफ अपशब्दों का नतीजा बुरा होना ही था। देश भर में तमाम हिंदू संगठनों और बीजेपी के कई नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन के बयान की निंदा की। इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी इस बयान से किनारा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल चुका था, और आखिरकार कांग्रेस ही वो पार्टी बनी जिसे इस बयान का सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ा। क्या कांग्रेस को वाकई सनातन का श्राप लग गया? क्या कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह सनातन का मुद्दा रहा? कैसे सनातन बीजेपी के प्रचार का सेंटर प्वाइंट बन गया? उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर 1 सितंबर को बयान दिया था, और बीजेपी ने इस मुद्दे को फौरन लपका। 2 दिन बाद ही राजस्थान के डूंगरपुर में अमित शाह की सभा हुई, और वहां उन्होंने डीएमके से लेकर कांग्रेस तक सबको घेर लिया। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? बीजेपी ने जैसे जैसे अपने प्रचार में इस मुद्दे को उठाया, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर अजीब सी हलचल शुरू हो गई।
कुछ लोग समझ गए कि डीएमके ने कांग्रेस के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस की हार पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी को सनातन का श्राप ले डूबा है, सनातन का विरोध करने से पार्टी डूब गई है। मुझे लगता है कि सनातन धर्म को मिटाने वाले, सनातन धर्म को खत्म करने वाले, सनातन को बर्बाद करने वाले जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे और सनातन न मिटा है न मिटेगा। कांग्रेस की हार की कई वजह रही और सनातन पर उदयनिधि स्टालिन का बयान उनमें से एक बड़ी वजह बना। ये आज कांग्रेस के कई बड़े नेता महसूस कर रहे होंगे। दक्षिण की राजनीति उत्तर भारत की पॉलिटिक्स से काफी अलग है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि सनातन के मुद्दे पर उससे गलती हुई है और बड़ी गलती हुई है। बीजेपी अक्सर अपने मुद्दे पर कांग्रेस को लाने में सफल हो जाती है। सनातन का मुद्दा भी ऐसा ही है जिस पर न चाहते हुए कांग्रेस को आना पड़ा, और एक बार जब कांग्रेस बीजेपी की पिच पर चली गई तो बीजेपी ने चौके छक्के लगाने से चूक नहीं की। बीजेपी सनातन के मुद्दे को जमीन तक लेकर गई। प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के हर छोटे बड़े नेता ने इस मुद्दे को उठाया और फिर जब चुनाव के नतीजे आए तो सबको एहसास हो गया कि सनातन का मुद्दा क्लिक कर गया। कोई हिंदुत्व तो एक कोई किसी व्यक्ति विशेष का विषय नहीं है। हिंदुत्व तो ये धरातल है, ये भारत भूमि है, यहाँ सनातन है, यहाँ हिंदू है। हमने अगर अन्य सभी मत और पंथों को अवसर दिया है यहाँ रहने का, आप रह सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव ये हमारे यहाँ कहा गया, इसलिए अतिथि देवो भव की हम उसमें रहते हैं, संस्कारों में रहते हैं, तो हम सबको मान्यता देते हैं। और इसमें कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ सदैव षड्यंत्र किया है, हिंदुओं को नीचे गिराने का प्रयास किया। वैसे धर्म की राजनीति अलग चीज है, अपमान की पॉलिटिक्स अलग चीज है। सवाल है कि क्या अपने साथी दल डीएमके की पॉलिटिक्स के चक्कर में कांग्रेस ने अपना चुनाव दांव पर लगा दिया? डीएमके से फौरन किनारा ना करना कांग्रेस को महंगा पड़ गया। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर क्या कहा था उसे बहुत गौर से देखिएगा। तलपे மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை வந்து நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस मुद्दे को अपने प्रचार में शामिल किया तो एक तरह से बीजेपी को लाइन मिल गई कि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ना है और उसमें सनातन को लेकर विवाद पार्टी को बीजेपी को कितना नफा और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। मध्य प्रदेश में जब वोट पड़े उससे पहले सनातन की याद दिलाई गई, राजस्थान में जब वोट पड़े तो उससे पहले कन्हैयालाल मर्डर केस और कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े किए गए। कुल मिलाकर यही मुद्दा कांग्रेस की बड़ी हार की वजह बन गया। तीन राज्यों में बुरी तरह हारने के बाद अब कांग्रेस के सामने 2024 का पहाड़ जैसा चुनाव है। हिंदी बेल्ट के तीन बड़े राज्यों में सूपड़ा साफ होने के बाद कांग्रेस के सामने कंफ्यूजन वाले हालात हैं। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ डीएमके भी है और सनातन का मुद्दा ऐसा है जिस पर उदयनिधि स्टालिन ने अभी तक अपने बयान पर न माफी मांगी है न ही उस पर किसी तरह के खेद जाहिर की है। कुल मिलाकर कांग्रेस की मुसीबत अभी जिंदा है और 2024 के फैसले में इसका थोड़ा बहुत असर दिखता रहेगा। ये वेद भी कहते हैं कि नारी शक्ति जिसके साथ हो जाए उसकी जीत पक्की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ये कह ही दिया कि नारी मेरे साथ हैं तो मेरी जीत पक्की है। लेकिन बीजेपी ने आपको बता दें कि तीन राज्यों में जिस तरीके से बंपर जीत हासिल की है उसका सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर तो बांधा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इन तीनों राज्यों में वो कौन सा वोटर था
जिसके जरिए इतनी बड़ी बंपर जीत बीजेपी को मिली? वो कौन सा वोटर जिसने बीजेपी को दिल खोल कर वोट दिया? इसका जवाब है वहां की महिला वोटर्स। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान जो गारंटी दी उसमें महिला वर्ग का खासा ख्याल रखा गया। सस्ते गैस सिलेंडर से लेकर लाडली बहन योजना, ऐसी बहुत सी योजनाओं ने बीजेपी को पार्टी नंबर वन बना दिया। मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी, और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। प्रधानमंत्री के करिश्मे ने महिलाओं को ऐसा मुरीद बनाया कि विपक्ष के हर दांव ने अपने घुटने टेक दिए। एक बार फिर पीएम मोदी की इस बड़ी जीत की एक अहम वजह महिला वोटर साबित हुई। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। मोदी, ये मोदी की गारंटी है। मेरी माताएं बहने, अब आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। महिलाओं की शक्ति बढ़ाएंगे, उन्हें लखपति बनाएंगे। गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। बहन बेटियों का बढ़ेगा मान। कांग्रेस गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों अहम राज्यों के चुनावों ने यह फिर साबित कर दिया कि मोदी वो चट्टान है जिसे टस से मस करना मुमकिन नहीं। ऐसी मजबूत चट्टान जिसे ललकारने का बस एक ही मतलब है, अपनी हार को न्योता देना। विपक्ष ने महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए उनसे बड़े बड़े वादे किए, मगर महिलाओं ने अपना मन नहीं बदला। उन्होंने मोदी सरकार का किया काम याद रखा और प्रधानमंत्री मोदी के ही पीछे डटकर खड़ी रही। स्वरोजगार के लाखों करोड़ रुपया बेटियों को किसने दिए? खेत में काम करने वाली मजदूर बहनों के लिए पेंशन योजना किसने शुरू की? पिछले कई चुनावों में बीजेपी का वोट बैंक बनकर उभरी है महिला वोटर, प्रधानमंत्री की जीत का बड़ा फैक्टर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के बूते इतिहास ही रच दिया। तब ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी को महिला वोटरों के सबसे ज्यादा वोट मिले। पिछले साल हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जिताने वाली महिलाएं ही थी। इन चारों राज्यों में बीजेपी के वोट शेयर में पुरुषों से ज्यादा तादाद महिलाओं की थी। इस बार भी चार में तीन राज्यों में महिलाओं ने आंख मूंद कर बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने अपना मन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बना लिया था, तभी तो प्रधानमंत्री की कई रैलियों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भीड़ नजर आई। यही देखकर पीएम ने भी वोटिंग से पहले ही बीजेपी की जीत का ऐलान कर दिया। मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आया हूँ। 3 दिसंबर के बाद भाजपा की सरकार का शपथ होगा, उस शपथ समारोह में आने के लिए निमंत्रण देने आया हूँ। पीएम को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए महिलाएं अपना सारा काम छोड़कर दूर दूर से पहुंची, और प्रधानमंत्री ने भी खुद को उनका बेटा और भाई बताकर उनसे रिश्ता जोड़ लिया। माताएं बहनें, ये आपका भाई आज भाई दूज को कह रहा है,
मेरा मिशन बहनों को समस्या से निजात दिलाने का है। पीएम ने रिश्ता जोड़कर उसे निभाया और महिलाओं का दिल जीत लिया। उज्ज्वला योजना के जरिए पीएम ने महिलाओं को चूल्हे के धुएं से ना सिर्फ राहत दिलाई बल्कि चुनाव से एक महीना पहले उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले सिलेंडर की कीमत घटाकर 600 रुपए कर दी। राजस्थान में तो प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सिलेंडर के झंझट से भी छुटकारा दिलाने का वादा किया। घरों में चूल्हे तक गैस की पाइपलाइन आ जाएगी माताएं बहने, और गैस सस्ता भी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को उनके नाम पर पक्के मकान तक दिलवाए। ये वो हकीकत है जिसके बारे में गांवों की गरीब महिलाओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मोदी की गारंटी है पक्का घर मिलके रहेगा, महिलाओं की शक्ति बढ़ाएंगे, उन्हें लखपति बनाएंगे। सरकार जो घर देगी ना उस पर मालिकी का हक महिला का होगा। मोदी के महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए इन्हीं कदमों ने उस मध्य प्रदेश में बीजेपी का बेड़ा पार लगाया जहां करीब 20 साल पुरानी सरकार को बचाना नामुमकिन लग रहा था। मोदी की बदौलत बीजेपी ने एमपी में ही सबसे शानदार जीत हासिल की और ये हुआ गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहना योजना से। मध्य प्रदेश सरकार की महज 8 महीने पहले शुरू हुई लाडली बहना योजना ने सूबे में सीन ही पलट दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की 1 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए देने शुरू किए और महिलाओं ने बीजेपी की जीत की राह से हर रोड़ा हटा दिया। कई विधानसभा क्षेत्रों में तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं पोलिंग बूथ पर पहुंची। एमपी का हर परिवार, माताएं बहनें खुद कह रही है मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। महिला वोटर प्रधानमंत्री की ताकत है और वो खुद अपनी जीत का श्रेय महिलाओं को देते हैं। ये चर्चा होती है कि आखिर मोदी को देश की नारी शक्ति, हमारी माताएं बहनें, उनका आशीर्वाद इतना कैसे मिलता है। अब उनकी नींद खराब हो गई है, माताएं बहनें मुझे इतना आशीर्वाद देती है। महिलाओं के बीच अपनी लोकप्रियता पर पीएम अरसे से काम कर रहे हैं लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी की इस शानदार जीत की बिसात प्रधानमंत्री ने 2 महीने पहले ही बिछा दी थी जब केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने वाला बिल पास करवा लिया। लोकसभा और विधानसभा में भी 33% सीटों में बहनों को आरक्षण की गारंटी मोदी ने पूरी की है। विपक्ष ने महिला आरक्षण कानून के लागू होने पर सवाल उठाए तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष की आलोचना को भी अपना हथियार बना लिया। महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ है तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। नतीजा ये हुआ कि चुनाव में बीजेपी को फायदा मिला, महिलाओं ने दिल खोलकर उन पर वोटों की बारिश कर दी। महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए पीएम मोदी के कदम उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। 2024 में महिलाओं का मोदी के साथ होना एक बड़ी गारंटी देता है। 2024 में वोटों की बहुत मारामारी होगी ये पक्की बात है लेकिन मोदी ने जिस तरह अपनी योजनाओं से समीकरण तैयार किए हैं उस पर विपक्ष का हर दांव उल्टा पड़ने लगा है। मोदी देखिए, ये तो सत्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि विधानसभा चुनावों के नतीजे 2024 में हैट्रिक की गारंटी है। मतलब एजेंडा सेट हो गया, मुद्दे तय हो गए, आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बिखरे विपक्ष के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है जिसका फिलहाल तो कोई कार्ड दिख नहीं रहा है। मतलब 2024 में बीजेपी रिटर्न्स की अभी से ही गारंटी दिख रही है।
सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। सेमीफाइनल में जीत, फाइनल की भी गारंटी, ये तो बस ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर है बाकी। भारत के सियासी इतिहास की यह अनोखी घटना है, बिल्कुल नायाब, ऐसा कभी नहीं हुआ, इसे लेकर बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। चुनाव जानकार चकित हैं, विपक्ष में खलबली है। कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। बड़े बड़े सियासी सूरमा पूर्वानुमान लगाने में फेल हो गए, विश्लेषण हो रहा है, देश के हर शहर में यही चर्चा है। मोदी नाम का डंका बज रहा है। चार विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की बंपर जीत से कांग्रेस के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है। ऐसा कैसे हुआ? जवाब बस एक नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब देश को भरोसा, मतलब जीत की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनावी राज्यों की जनता ने मान लिया, पीएम मोदी ने बीजेपी को वोट देने को कहा, जनता ने झोली भर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष के बहकावे में ना आए, जनता ने स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास हुआ है, विकास होगा, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, काम करेगी, लोगों ने मान लिया, क्योंकि ये गारंटी किसी पलटी मार सियासतदान की नहीं, किसी जातिवादी सियासतदान या परिवारवाद के अलंबरदार सियासतदान की नहीं, बल्कि ये गारंटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।